गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार आप सभी को। और वापस इस सेमी सेल्स मास्टर के वर्किंग में, जो इसकी जो एक टेन्योर है कि 15 डेज की इसके अंदर वर्किंग होगी, और वापस आज सेकंड डे है इस सेमी सेल्स मास्टर की वर्किंग के ऊपर, राइट। और सेकंड डेज है इसलिए मैं आप लोगों को, मैं छोटा सा कभी कभी जो जहन में स्ट्रैटेजी आता है, मुझे लगता है कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप रोज़ काम करते हो तो नई नई चीज़ें आपके जहन में आती है, और आपको लगता है कि ये भी एक तरीका है काम करने का, और इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, राइट। और उसी बीच में मुझे लगा कि कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, तो वापस उसी जगह पे, उसी लोकेशन के पास आकर वापस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर जब आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डे स्पेसिफिक है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम जोन के अंदर आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि आपको पीवी करना है, राइट, ठीक है। अब देखिए, पीवी क्या करना, अब हमें, अगर मैं बात पहले करूँगा सेमी सेल्स मास्टर की, जब मैं सेमी सेल्स मास्टर की जब आपसे मैं बात करता हूँ, तो सेमी सेल्स मास्टर के अंदर क्या है, 15 लाख के कैलकुलेशन, करेक्ट। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और 15 लाख पीवी की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, उसको आप 12 से डिवाइड कीजिए, डेली का टारगेट बनाइए, 15 से कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि 3 दिन हमेशा बफर में रखें, तो कि लास्ट मोमेंट में कुछ अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, राइट। लेकिन आप उसको डेली का टारगेट में सेट कीजिए, ठीक है। अभी क्या होता है, शुरुआती लेवल पे स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन 5 दिन, राइट, 4-5 दिन जो है वो थोड़ा सा मतलब आराम आराम से निकल जाता है, लोग उस उतना क्या एफर्ट लगाना है वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और शुरुआत के 3-4 दिन में वो प्रॉब्लम आ जाती है कि अरे यार, वो स्टार्टिंग है, 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने डेली बेसिस पे जो आपकी वर्किंग होनी चाहिए उस हिसाब से अगर आपने प्लानिंग करके काम किया, तो 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 3-4 दिन अगर हम लोग थोड़ा प्लानिंग में लेट कर गए या डिले कर गए, और उस शुरुआत के 3-4 दिन में अगर काम नहीं निकल पाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो बिल्डअप होना शुरू होगा ना, वो 25 के बाद आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमें इस चीज़ से बचना है, सेकेंड डे है इसलिए मैं इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ, और इसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, ये 100% आपको फ़ायदा देगा। अभी हमारे पास जितना भी टाइम है, हर रोज़ एवरी डे जो हमें प्लान करके काम करना है, उसको उस तरफ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, 15 लाख की जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अंदर आप देखोगे तो एवरी डे अप्रॉक्स 1.5-2 लाख पीवी चाहिए आपके लेफ्ट में, आपके राइट में 1.5-2 लाख पीवी अगर आपके नहीं आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि फिर धीरे धीरे करते करते वो नंबर्स ऑफ पीवी बढ़ते चले जाएंगे, फिर आप वेट करोगे कोई बड़ा आपका कोई बड़ी पीवी आपके हाथ में आ जाए, 4 लाख 5 लाख एक झटके में आ जाए, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और उस वक्त फिर जैसे जैसे आप डिले टाइम निकलता जाएगा ना, वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जब वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो फिर आपको लगेगा अरे यार, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा। अभी क्या करना, आपकी टीम साइज़ है, टीम में कई लोग हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोग डीएक्टिवेटेड हैं, क्या आप वो डीएक्टिवेटेड लोगों से बात कर रहे हो, क्या उनको आप एक्टिवेट करने के लिए 15,000-20,000 पीवी करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, क्या उनके पास वो मैसेज जा रहा है क्या कि दिस इज़ द टाइम टू एक्टिवेट योरसेल्फ, क्या आपने ये बात उनको बताई, क्या आपने उनको ये बोला कि अभी एक्टिवेट नहीं करोगे तो इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको झेलना पड़ेगा, या आपने इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस बताया क्या सेमी सेल्स मास्टर का। ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, एवरी डे 10-15 लोगों से फ़ोन पे बात करके, कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे पीवी करके लोगों को एक्टिवेट कराया जाए, वो आपको करवाना पड़ेगा, राइट। ये बात हो गई सेमी सेल्स मास्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। और देखिए, अब सेमी सेल्स मास्टर के जो गणित है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं चाहता हूं उसको आप इम्प्लीमेंट करो। कभी भी कोई भी पीवी को होल्ड मत कीजिए, मैचिंग ज़रूरी है, जनरल कमीशन ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उस जनरल कमीशन के आप जो डेली मैचिंग जो आप कराना चाहते हो वो करवाइए, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कभी कोई पीवी को आप होल्ड मत करना, ठीक है। होल्ड करने का मतलब ये है कि आज वन साइड में अगर मान लो 2.5-3 लाख पीवी हो गया है, ठीक है, सेकंड वाले लेग में नहीं हुआ है,
अब आप क्या कर रहे हो कि जिस दिन जिस तरफ 2.5-3 लाख हो चुका है उधर के पीवी को आप होल्ड कर देते हैं कई लोगों, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पीवी इधर भी हो जाए तो नेक्स्ट मैचिंग का प्लानिंग कर लें। ये देखिए, अगर होल्ड तभी करो जब आपके पास पूरी 15 लाख की कैलकुलेशन आपके पास एग्जैक्ट है कि मेरे पास तो 15 लाख पीवी है, तब आप आराम से उसको मैचिंग खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 30 लाख पीवी, टोटल 30 लाख पीवी की जो रिक्वायरमेंट है सेमी सेल्स मास्टर के अंदर, उसका अगर इंतज़ाम नहीं है क्लियर, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर तरीके से है, तो आप पीवी को होल्ड कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली मैचिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करके उसका मैक्सिमम पे आउट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है और आपकी टीम काम कर रही है उसके लिए, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो पीवी आ रहा है उसको आप प्लेस करते चले जाओ अकॉर्डिंगली, कोई बात नहीं, ठीक है। एक दो मैचिंग छूट जाएगी या कुछ पीवी आपके लैप्स हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन सिक्योर हो जाएगी सेमी सेल्स मास्टर की। और इसी तरीके से जब मैं सेल्स मास्टर की बात करता हूँ, वहाँ पे भी आपके सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन डन हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई, ये जो बातें हम लोग इतनी कर रहे हैं, ये बातें जो अभी हो रही हैं वो हो रही हैं क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर मैक्सिमम मैचिंग निकालने की बात नहीं हो रही। सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जब क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो केवल क्वालिफिकेशन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, राइट। और साथ साथ में जो आपके मैचिंग निकलेगा, मैचिंग पे काम करते चले जाइए, ठीक है। ये छोटी सी बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, राइट। और कोशिश, अब ये जो आप इन डेली की जो वर्किंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक चीज़ आप समझना, ये जो हर रोज़ हम लोग काम कर रहे हैं, एवरीडे जो हमारा बिजनेस जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, प्लेसिंग हो रही है, काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, राइट। सुबह से आज मेरे तीन चार मीटिंग, संडे का दिन है, मैंने चार के आसपास मेरी मीटिंग हुई है, चार अलग अलग टीम में मैंने मीटिंग किया है, और सब लोग अपने अपने एफर्ट मार रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और यही एफर्ट लगातार अगले 12-13 दिन तक, जो भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं, लगातार अपना हर रोज अपनी मेहनत को मैक्सिमाइज कीजिए। आज का दिन कल से बेटर होना चाहिए, आज जो आप काम कर रहे हो वो कल के मेहनत से ज्यादा होना चाहिए दोस्त। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर कोई भी क्वालिफिकेशन हो, ये निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और चैलेंजेस से घबराइएगा मत, स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देख करके आपको घबराना नहीं है कि यार ये जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। हमारा काम, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत, हमारे हाथ में क्या है प्लानिंग, हमारे हाथ में क्या है एग्जीक्यूशन, जो हमारे हाथ में है उसको डेडिकेशन के साथ, फुल ताकत के साथ मार्केट में झोंकिए और रिजल्ट आपको 100% वहाँ से मिलेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं हर रोज़ इस तरीके से मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, और मैं आप लोगों को बताऊँगा, कुछ भी नई चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, उसको आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए अपने वर्किंग के अंदर, और देखिए कितना मैजिकल रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलता है, राइट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।